होली और दिवाली ईद के मौके पे अपनों को अपनों से मिलते हुए बहुत बार देखा होगा, एक दूसरे को रिश्तेदारी में बधाई देते हुए देखा होगा, लेकिन आपको एक ऐसे जीबी पंत हॉस्पिटल की खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ कोई खून का रिश्ता किसी से चाहे भले ही ना हो, लेकिन दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर और फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर इस वक्त दोनों साथ में हैं, सौरभ भारद्वाज, मरीजों का हालचाल जानने उनको दिवाली की बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ ही दिवाली के इस शुभ अवसर पर इस मौके पर यहाँ MLA बल्ली मारान और दिल्ली सरकार में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर इमरान हुसैन भी साथ में हैं। इन लोगों को शुभकामनाओं के साथ में ये यहाँ पर मिठाई देने, फ्रूट्स वगैरह देने के लिए पहुँचे हैं। अभी तो पता नहीं, बताया कल होगा, कल ऑपरेशन होगा, कल होगा। फिर कितने दिन में छुट्टी हो जाएगी? एक दो दिन रख के सर, फिर एक दो दिन में छुट्टी रख के हो जाएगी। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना। इमरान जी हैं, हमारे मंत्री हैं, आओ। माता जी नमस्ते, ठीक हो? नमस्ते। ऑपरेशन हो गया या होना है? हो गया, 27 को हो गया। बहुत बढ़िया। कैसी तबीयत है? बुखार आया था, सर्दी इंजेक्शन। अभी ठीक है, अब ठीक है। कहाँ से आए हो तुम? मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़, अलीगढ़ कितने घंटे का रास्ता है? 4 घंटे का। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से ठीक होकर जाना। मंत्री जी सेब लाए आपके लिए, दीजिए। लो भाई ये सेब खाओ, ये अच्छे जूसी सेब है, इसे ठीक रहेगा। हो गया या नहीं हुआ? अभी हुआ सर। आप लोग कहाँ से? जिला बिजनौर, नजीबाबाद। बिजनौर से? नजीबाबाद। नजीबाबाद तो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर है? अच्छा, बिजनौर इतना दूर है? जी जी, दूर है। चलिए जल्दी ठीक होइए, है ना। हमारे मंत्री हैं इमरान जी, ये सौरभ भाई हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये हॉस्पिटल इन्हीं के अंडर में है सारा इलाज विलाज। अच्छे से इलाज करा के जाइए, ठीक है सर। सर कैसी तबीयत है? माता जी कैसी हैं? लेटे रहो, लेटे रहो। ऑपरेशन हो गया इनका? हो गया, हो गया। कब छुट्टी होगी? 10 बजे। बुखार है? हाँ बुखार उनके भी है। कहाँ से आए हो? सहारनपुर। सहारनपुर तो यहाँ से कितने किलोमीटर है? 3 घंटे का तो है रास्ता सर। उत्तर प्रदेश? 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे उत्तर प्रदेश में? लो भाई सेब। ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपसे मिलने आए दीपावली, सौरभ भारद्वाज जी। ये इनको धो के खिलाना है ना, देखिए पेटी में लाया हूँ, भूले नहीं हुए, भुलवा देना होगा। चलो ठीक है, अच्छे होके जाओगे, चिंता मत करना। कोई साथ है आपके? कहाँ कोई है भाई? इनके साथ कौन अटेंडेंट है? भार्गव। नमस्ते माता जी, कैसी तबीयत है? इलाज सही हो रहा है? ये सौरभ भारद्वाज जी है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये हमारे फूड मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है इन्हें हेल्थ मिनिस्टर, एक्टिव बहुत हैं। अरे भाई आज दीपावली के मौके पे सबसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। कहाँ से आए हो? जहांगीरपुरी में तो किसका हो गया? उनका हो गया, अजीश यादव। अजीश भाई का हो गया, अजीश यादव। माता जी हैप्पी दिवाली, क्या रखता हूँ? हैप्पी दिवाली। अच्छा, कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली। बग्गा जी है वहाँ के विधायक, ये उठा लेते। शुभ दीपावली सौरभ। मतलब बिल्कुल आपको डिस्टर्ब करने का नहीं, ऐसी आपका घर भी जैसे आप सर आप आए आज
किसी को असल में कई मीडिया वाले मानते नहीं है कि हम सरप्राइज विजिट करते हैं। कहते हैं निर्णय जी आपने बता दिया होगा। मैंने कहा नहीं बताया, पता था छोटी सरप्राइज है। आपने पूरा देखा नहीं ये सौरभ भारद्वाज जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी के, आपसे मिलने आए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली माता जी, शुभकामनाएं दिवाली। जीबी पंत अस्पताल में आज जब सरप्राइज विजिट रखा गया दिवाली के मौके पर, तो उसमें जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के, और साथ में इमरान हुसैन जो कि फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर हैं, अचानक पहुंचे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर अस्पतालों के अंदर जो हालत होती है, खासतौर से सैनिटेशन को, हाइजीन को लेकर के, साफ सफाई को, उसमें बहुत सवाल खड़े होते हैं। यहाँ जब ये लोग पहुँचे, इन्होंने किसी को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं इत्तला दी थी, बताया नहीं था, लेकिन मरीजों का जिस तरह से दिल जीता है, उनके जाके हालात पूछे हैं और अस्पताल की जो हालत देखी है, कहीं ना कहीं इन्हीं से पूछ के आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं इस बात को कि अस्पताल में आज जब आए तो क्या हुआ। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूं सौरभ भारद्वाज जी, आज आप यहां पहुंचे, आपने कोई कुछ बताया नहीं हॉस्पिटल को और फिर मरीजों को दिवाली के मौके पर? देखिए, जब हम यहाँ पर आए तो बिना बताया, आप देखिए डायरेक्टर साहब भी अब आए हैं, क्योंकि इसलिए हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि मेडिकल डायरेक्टर जो है दिवाली में इस वक्त पे जो अस्पताल में रहेंगे, और सिर्फ हम नीचे से आए। मैंने इमरान भाई को फ़ोन किया कि भाई आपके इलाके में मैं आ रहा हूँ, आप यहाँ के विधायक भी हैं तो आप आ जाइए, और अपने मुंह से अपने अस्पताल की तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता, लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर कमी हो उसका क्रिटिसिज़म भी होना चाहिए, और जहाँ पर अच्छी चीज़ हो उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए। तो एक दो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी ये थी कि साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी जी, और मतलब कि फ्लोर जो है चमक रहे हैं बिल्कुल, जो कहा जा सकता है। मैं ए ब्लॉक से घुसा और ए ब्लॉक से लेकर सी ब्लॉक तक करीब 200-250 मीटर जो है कॉरिडोर से निकला, साफ़ सुथरा था। फिर अभी हम मरीजों से भी मिले, ज़्यादातर तो जो है जो कार्डियक सर्जरी के लिए जो आए हुए हैं, पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी दोनों ही तरीके के लोगों से मिले। मोटे मोटे तौर पर लोग खुश थे, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल था कि भाई हमारा इलाज यहाँ पे हो रहा है, वरना आते ही जो है मरीज़ ज़रूर शिकायत करता है कि जी मुझे ये नहीं दिया, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मुझे डेट नहीं मिली, मुझे नहीं मिला, तो इससे जो है अच्छा लगता है। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो मरीज़ों का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे दिल्ली के मरीज़ भी हैं और आसपास के राज्यों से भी मरीज़ आते हैं, जिसके लिए कोई मना ही नहीं है, हमारी तरफ से वेलकम है कि किसी को अगर इलाज की ज़रूरत है, वो दिल्ली में नहीं भी रहता, बाहर रहता है, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम टू कम टू दिल्ली, गेट ट्रीटेड, क्योंकि ये दिल्ली तो देश की राजधानी है, सबके लिए खुली हुई है। तो मुझे खुशी ये भी हो रही है कि आसपास के राज्यों के भी बहुत सारे मरीज़, जैसे हमने बात की तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मरीज़ जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और देवर हैप्पी, खुश थे वो लोग। और इमरान भाई को मैंने बोला, तुरंत जो है इमरान भाई आ गए इनके यहाँ, हालांकि दिवाली मिलने वाले बहुत सारे लोग आए हुए थे, बट मैंने इमरान भाई को कहा कि आप आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, और हम लोगों मरीजों से मिले, थोड़ी हमने उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी, अच्छा लगा। बस मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा, आपके साथ अभी मैं भी था जब मैं देख रहा था वार्ड्स में जा करके, तो सौरभ जी ये पाया कि जिस तरह आपने बताया कि उत्तर प्रदेश से या और दूसरे इलाकों से, आपको नहीं लगता दूसरी राज्य सरकारें जो हैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, यानी जो हेल्थ सेक्टर है उनके मरीज पहुँच ही ना पाएँ? वैसे तो अच्छा है कि यहाँ आ रहे हैं, इलाज हो रहा है, अगर वहाँ पर हेल्थ सेक्टर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो मुझे लगता है कि इतना दबाव डॉक्टर्स पे और अस्पतालों पे शायद दिल्ली में ना हो। देखिए, एक तो जो बड़े राज्य हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, वहाँ पे जो बड़ी सर्जरीज हैं उसकी व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि सरकारी अस्पतालों में कम है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ ब्रेन सर्जरी के मरीज़ जो आते हैं, न्यूरो सर्जरी के जो मरीज़ आते हैं वो बहुत आते हैं, और ICU के अंदर इमरजेंसी के केसेस आते हैं और कार्डियक सर्जरी के जो हैं केसेस आते हैं। एक तो ये कि उनके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ बेहतर हों, दूसरा मुझे लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम है वो यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हुई है,
राजस्थान गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हुई है, बिहार गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हुई है, मगर मुझे लगता है कि वो आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा उनको प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल रहा। वरना आप सोचिए, जो आदमी बिजनौर से, सहारनपुर से 8 घंटे 5 घंटे यहाँ पे आया है, वो नोएडा क्रॉस करके आया है। नोएडा के अंदर बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, ग्रेटर नोएडा में अस्पताल हैं, और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं। तो उन प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान भारत के अंदर इन लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो लोग इन मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, इस कारण इनको दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आना पड़ रहा है। तो मेरी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये रहेगा कि भाई आप अपने प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ध्यान रखिए कि वो आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा जो है वो इन गरीब लोगों को क्यों नहीं दे रहे। अब ये गरीब लोग हैं, ये हो नहीं सकता कि ये गरीब लोग आयुष्मान भारत में ना आते हों, क्योंकि जो अमीर होगा तो वो तो कहीं बाहर इलाज कराएगा। हमारे सरकारी अस्पताल में कोई अगर 800 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आया है तो वो गरीब तो है, आयुष्मान भारत का वो पक्का उसकी एलिजिबिलिटी है, तो उसको वो फ़ायदा मिले ये भी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं सब लोग कि दीपावली पे मैं समझता हूँ कि ये पहले मंत्री होंगे केजरीवाल गवर्नमेंट के, सौरभ भारद्वाज जी, जो दीपावली वाले दिन हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और मरीजों के साथ दिवाली भी मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं सौरभ भारद्वाज जी को, अरविंद केजरीवाल जी को तो बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, आतिशी जी को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिवाली के दिन को चुना गया खासतौर से इस जीबी पंत अस्पताल में, और जिस तरह से अभी सौरभ भारद्वाज बता रहे थे कि अगर दूसरी राज्य सरकारें भी और खासतौर से केंद्र सरकार भी आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, इन गरीबों को, इन ज़रूरतमंदों को, और वाकई जिनकी ज़रूरत है खासतौर से उनकी सेहत के लिए, तबीयत के लिए और बीमारियों के लिए, अगर वो अपने राज्यों के अंदर इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करती हैं और सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो लगता है कि दिल्ली के अस्पतालों पे दबाव कुछ हद तक कम होगा। लेकिन आज दिवाली के दिन उन लोगों को बधाई के साथ साथ फ्रूट्स वगैरह बांट करके दिल्ली सरकार के इन मंत्रियों ने ये ज़रूर दिखाया है कि आपके साथ, आपके दुख के इन पलों में भी हम खड़े हुए हैं, हमारी सरकार खड़ी हुई है। आप लोग हमारे साथ जीबी पंत अस्पताल से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। Thank you for now.